हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सैमसंग J7 प्राइम और इसमें प्रॉब्लम है, ये हमारा बैक की काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, हमारा एप्लीकेशन खुला हुआ है पर ये बैक की जो है वो काम नहीं कर रहा है। और ये आपको ऐसा लगेगा कि टच के ऊपर से काम नहीं कर रहा होगा, तो हम ये भी दिखा दें। ये देख सकते हैं, ये पॉइंट है इसका और यहाँ से भी ये बैक की बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। जबकि इसको ये साइड का बटन ये काम कर रहा है, बीच वाला बटन काम कर रहा है, पर ये जो साइड वाला बटन है जिस बैक की बोलते हैं वो वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल फ़ोन को ओपन करेंगे, पहले फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देते हैं। ये डिस्प्ले कनेक्टर को हम रिमूव करेंगे, उसके बाद इसके सारे स्क्रू खोलेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं स्क्रू खोल लेता हूँ। ये हमारा फोन ओपन हो चुका है। ये जो हमारा बैक की होता है उसका कनेक्शन, इसमें जो कनेक्टर है इसके फर्स्ट पॉइंट पे आता है। मीटर को पहले कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे और चेक करेंगे, ग्राउंड में रख के रेड वाला सीधा और काले वाले को फर्स्ट पे रखेंगे। ये हमारा कंटिन्यूटी बता, मतलब इसमें वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो कनेक्शन आता है, यहाँ एक आईसी लगा होगा, उसके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस होता है उससे हमारा यहाँ का पहला वाला पिन पे वो रहता है, कंटिन्यूटी रहता है, जॉइंट रहता है, तो वो सही है तभी यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमारा ये पत्ती चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको थोड़ा सा वॉश करके देखेंगे। अगर वॉश करने से भी कई बार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पत्ती हमको चेंज करना पड़ेगा। आप इसे थोड़ा सा गौर से देखें, ये जो पिन है हमारा, इसमें ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला पिन, ये जो फर्स्ट वाला पिन है, यहाँ से अगर इसका कनेक्शन कटा रहेगा तो यहाँ से एक जंपर जॉइंट करेंगे और इसके यहाँ एक आईसी लगा होगा, मैं वो आईसी खोल के आपको अभी दिखाऊंगा, उसके सेकंड वाले कंपोनेंट्स पे आप मार देंगे, रेजिस्टेंस है वो, किसी भी सिरे में मारेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका बटन काम करने लगेगा। फिलहाल अभी हमारे पास वो वैल्यू शो कर रहा है तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। हम बस इसको अच्छे से साफ़ करके देखते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कार्बन आ गया होगा या पानी जाने की वजह से सब हो जाता है। तो आप ये छोटी सी पहल पहले करके देख लेंगे, यहाँ पे जंपर मारने से पहले यहाँ पहले वैल्यू चेक करके ज़रूर देखें। अगर वैल्यू नहीं आ रहा है तब आप जंपर लगा दें, अगर नहीं आ रहा है मतलब अगर वैल्यू आ रहा है तो फिर हमें जंपर मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉइंट है तभी वैल्यू शो कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये साफ हो चुका है दोस्तों, अब एक बार इसे लगा देंगे अच्छे से, फिर हम देखते हैं कि ये बैक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला बटन अभी भी काम नहीं कर रहा है। अब इसे एक बार जंपर मार के देख लेते हैं पहले। इसकम आईसी के क्रिस्टल को हमें निकालना होगा, एकदम प्यार से निकालें ताकि प्रिंट कोई ब्रेक ना हो। आप देख सकते हैं एकदम सेफली तरीके से मैंने इसे निकाला है और इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पहला और दूसरा। तो दूसरे के पहले सिरे से ही हमें जंपर उठाना होगा और वो मैं करके दिखाता हूँ आपको।
कलर ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कनेक्टर रहता है इसी में पहले पिन पे ये जम्पर मैंने लगाया है, ऊपर से पहला पड़ेगा ये जम्पर, जम्पर मारा मैंने पहले पिन। ठीक है, अब फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर से एक तो छोटा सा इसमें टेप मार देंगे बीच में, ताकि ये खींचाने से निकलेगा नहीं। ये हो गया सेकंड वाला साइड है, अब उसको हमें ये जो आईसी है ये देख सकते हैं, इसका जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस है उसके किसी भी सिरे में मारना होगा। ये देख सकते हैं जम्पर हमारा लग चुका है, अब इसे हम एक बार चेक कर लेंगे पहले। आराम से पैक करें, कहीं वो जम्पर जो मारे हैं हमने वो टूट ना जाए। अभी हमने स्क्रू नहीं लगाया है इसमें, ये देख सकते हैं। एक बार में काम कर रहे दोस्तों। इस प्रकार से ये जम्पर लगा के आप भी अपने फ़ोन को बैक की का जो सोल्यूशन है वो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।